खुश आमदीद, फिर से अपने तमाम व्यूवर्स को बहुत बहुत वेलकम करती हूँ नए वीडियो में। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, खैरियत से रखे और सेहत से रखे। जी तो दोस्तों, वीडियो है जी काम वाले खूबसूरत खूबसूरत से ड्रेसेस पर, क्योंकि अब जो है वो 5-6 महीने हैं जी शादियों के। हर घर में जो है वो शादी किसी न किसी की आ रही है, किसी के तो अपने घर में ही शादी है, किसी के रिश्तेदारों में शादी है। तो भाई काम वाले इस तरह के कपड़े जो कि डिसेंट भी हों, प्यारे भी लगें, उस तरह के आइडियाज़ बहुत ज़्यादा चाहिए। तो जी अगर आपने जहेज़ के लिए, बेटी के जहेज़ के लिए कपड़े बनवाने हैं, या फिर बहू की बरी के लिए कपड़े बनवाने हैं, या फिर आप दूल्हे की बहन हैं या दुल्हन की बहन हैं, तो आपको चाहिए कपड़ों के आइडियाज़, यहाँ से लीजिए। आपको काम वाले बहुत ही प्यारे कपड़ों के आइडियाज़ मिलेंगे और साथ साथ कलर कॉम्बिनेशंस भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। किस तरह के आपने वन कलर ड्रेस बनवाना है या फिर आपने कोई कॉम्बिनेशन का दुपट्टा करना है, तो उसका आप यहाँ से जितनी चीज़ें देखेंगी तो आपका एक माइंड बन जाएगा, क्योंकि मार्केट में जाकर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आपका अपना माइंड नहीं बना हुआ होगा। सब आपने सोच के जाना है आपने क्या कॉम्बिनेशंस करने हैं, फिर वहाँ जाके कुछ चेंज हो जाता है, कोई चीज़ बहुत पसंद आ जाती है, कोई चीज़ देख के आपको दुकानदार बहुत अच्छा आइडिया दे देता है, तो वो तो है, मगर अपना होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए। काम वाले कपड़े बनवाना जो है ना, मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि अगर ज़्यादा हैवी हो जाएँ तो कुछ चीप लगने लगते हैं। दिल चाहता है वे ग्रेसफुल से थोड़ा सा काम हो, प्यारा भी लगे, खूबसूरत भी लगे। और फिर काम वाले कपड़ों में रेट्स का भी बहुत इशू होता है, क्योंकि बहुत महंगे काम हो गए हैं। यकीन करें कि आप एक बेल अगर बढ़वा लेते हैं ना, तो वहीं सूट की प्राइस अप हो जाती है। बेल कम कर देते हैं, थोड़ी डाउन हो जाती है। अच्छा, वैसे कम करने से इतनी डाउन नहीं होती जितनी बढ़ाने से अप होती है, ये तो मेरे ख्याल में मेरा तो यही एक्सपीरियंस रहा है। तो आप यहाँ से डिज़ाइनिंग देख लीजिए, गलों के डिज़ाइंस बहुत प्यारे हैं, मगर गले में तब ज़्यादा काम करवाएं जब आपने दुपट्टा जो है वो इसी तरह लेना हो जिस तरह इन्होंने लिया हुआ है। अगर आप उन लोगों में से हैं कि जो कि दुपट्टा या तो सर पे लेती हैं या सही से फ्रंट पे कवर करती हैं, तो फिर आप गले पे काम कम करके उसको दामन पे ले आएं, उसी काम को चाकों पे ले आएं, कोई स्टाइल स्लीव्स पे कर लें, ताकि फिर आपका काम नज़र आए, ठीक है। और काम वाले कपड़ों में स्पेशली गले पर बहुत ध्यान रखा करें। अगर फ्रंट पे ज़्यादा काम हो तो बार बार लिखवाया करें, उनकी पर्ची पे लिखवाया करें ये चीज़ कि गला छोटा बनाना है, क्योंकि ढलकता है सूट जो है वो नीचे की तरफ। और फिर ज़रा सा भी इस तरह की स्टिचिंग का प्रॉब्लम होना, तो पूरे फंक्शन में आप जो है ना वो कॉन्शियस ही रहते हैं कि भाई कुछ ना कुछ ऐसी है जिसके उलझन हो रही है, तो ये लाजमी इसकी केयर करें। साथ कपड़ा बहुत अच्छा होना चाहिए। सिल्क यार आजकल बहुत फैशन में है और इतने नाम आ गए हैं सिल्क के, कॉटन सिल्क आ गई है, रॉ सिल्क है, कतान सिल्क है और शमू सिल्क है, यानी सिल्क बहुत ज़्यादा है हर तरफ है और बड़ी ही प्यारी लग रही है। तो सिल्क को आप प्रेफरेंस दें, बाकी आप खाटी नेट पे भी काम करा सकते हैं, वो भी बहुत प्यारा लगेगा। ये कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लगा मुझे सूट का, इसलिए मैंने करीब से भी आपको स्लीव्स भी दिखाई हैं। अच्छा, एक बात और यहाँ क्लियर कर दूं कि एज सिर्फ इसलिए लिखी है कि इस तरह से आप अगर मैरिड हैं, न्यूली मैरिड हैं, आपकी शादी बड़ी जहेज के कपड़े हैं, तो इस तरह से बनवा सकती हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप इसके काम को कर लेंगे अकॉर्डिंग टू योर एज एंड बजट। तो बस जी, वीडियो ख़त्म हो रही है। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और खुश रहें।